पास अकाउंट है IRCTC का और आप जानना चाहते हैं कि टिकट कैसे चेक करें या टिकट कैसे देखें कि अवेलेबल है या नहीं, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको IRCTC का ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और राइट में टॉप पे आप देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको पहले से ही लॉगिन किए हुए हैं तो यहाँ पे आप 4 डिजिट का पिन मांगेगा जो आपको मालूम होगा। पिन डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ट्रेन, यानी कि हमें ट्रेन चेक करना है तो हम ट्रेन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है फ्रॉम और सेकंड है टू, यानी कि फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक आप टिकट देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, न्यू दिल्ली टू, हम दिल्ली से लखनऊ के लिए देख लेते हैं। हम यहाँ सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ट्रेन के नाम देखने को मिल गया है, तेजस, अरुणाचल, हम सफ़र, ये सारे ट्रेन हैं। कई सारी ट्रेन हैं दिल्ली से लखनऊ के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड एसी सेकंड एसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरुणाचल में थर्ड एसी पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देखिए संडे 9 अक्टूबर को अवेलेबल 184 184 टिकट अवेलेबल है, आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन भी हो और जहाँ ग्रीन होगा वहाँ पक्का अवेलेबल होगा। और देखिए यहाँ पे RAC 59 दिखा रहा है, RAC है ये भी कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बताऊँगा टिकट को आप कंफर्म कैसे पूरी तरीके से आप ले सकते हैं, अपने UPI के थ्रू पैसे आप उसमें देकर।